करने वाले हैं हमारे राइजिंग स्टार दिल्ली कैरियर ग्रुप के जिन्होंने एनडीए क्रैक किया है, बालकिशन शर्मा। थैंक यू मैम। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। लाइक आप जब आपने एग्जाम देने के लिए आप गए तो आपको क्या लगा कि एग्जाम टफ है या इजी? मैम एग्जाम तो जैसे आता है हर बार की तरह वैसा ही था, कोई नॉर्मली था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैम जो अप्रैल वाला एग्जाम था उससे थोड़ा सा टफ था एग्जाम। मैथमेटिक्स का जो एग्जाम था जो अप्रैल में एग्जाम आया था उससे थोड़ा सा टफ था। लेवल जो है थोड़ा सा उसका टफ था, तो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द क्वेश्चंस एंड देन पुट द आंसर्स ओनली। तो मतलब लाइक आप सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चले क्वेश्चन पेपर में, आपने जो आपको क्वेश्चंस आते थे आपने पहले वो अटेम्प्ट किए बाद में, तो आपने कोई रॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था उसमें? लाइक जो आपने लाइक कहते हैं ना तुक्के से, या फिर आपको नहीं आता था आपने जज किया कि इसका आंसर ये होगा? नो मैम, यस मैम, वन और टू क्वेश्चंस आई हैव डिड, आई थिंक दैट आई हैव डिड दिस वन और टू क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक दैट दे विल बी करेक्ट एंड दे आर करेक्ट मैम, दे आर करेक्ट बाय लक करेक्ट मैम। ओके, अब आप जैसे आपने दिल्ली कैरियर ग्रुप में जब आपने एडमिशन लिया था तो यहाँ पर आपको कैसा एटमॉस्फेयर लगा? लाइक हमारा टीचिंग स्टाफ हो गया, हमारी एकेडमी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ? यस मैम, मैम द स्टाफ इज वेरी गुड, देयर इज नथिंग टू वरी एज मैम एवरी टीचर विल हेल्प यू, सपोर्ट यू व्हेनेवर यू नीड योर देयर हेल्प, दे हेल्प्स यू एंड मैम मैनेजिंग स्टाफ इज आल्सो गुड। Whenever you have some problems or some things which you not able to do, they always help you. Seriously? Yes, ma'am. And by like आपको time को लेकर कुछ issues होते हो, like teachers classes पे time पे ना पहुँचते हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो कि teacher ने classes bunk कर दी हो कि ठीक है मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ ऐसा? Nothing problems. Like जो हमारा time according to periods होता है वो चलता है regular. Yes, ma'am. Okay. अच्छा मुझे ये बताओ आप कहाँ से belong करते हैं? आपका like family background? Yes, ma'am. Ma'am, I am from Khair, a town from Aligarh district, and my father is a army man. I study in JIT Public School, Aligarh. Okay. तो like आपके mind में ऐसा पहले से ही था कि आपको defence में जाना है, आपको NDA crack करना है, या फिर कोई भी field आपको चलेगी? No, ma'am. I have decided that I have to crack the NDA. Strategy क्या थी इसको crack करने के लिए exam को? Ma'am, I have made a strategy that firstly I will complete all the syllabus which our teacher taught us, and after it I will did some last year question papers which helped me a lot. Ma'am, almost entire exam paper is coming from those questions, those last year questions, and as our maths teacher tell us that you have to prepare and practice a lot last year questions, so I did that. Ma'am. तो लाइक आप कितने टाइम पढ़ते थे घर पे? जैसे आपने कोचिंग में तो 10 to 3 का टाइम बिता दिया, एंड देन उसके बाद आप लाइक रेगुलर 12 बजे तक, फिर सुबह उठकर फिर सेम? नो मैम, आई मेक अ टाइम टेबल दैट आई हैव टू स्टडी इन सच आवर्स एंड आई हैव टू सम डू सम अदर वर्क्स इन सच आवर्स एंड दैट दे विल हेल्प मी अ लॉट मैम एज मैम आई एम जस्ट। एंड व्हाट अबाउट योर पीएफटी, लाइक जो आपका फिजिकल फिटनेस आप अपने आप को देते हैं? दिस इज अ मेजर थिंग व्हिच हैव टू बी फोकस्ड आल्सो टू गेट सम टू बी फिजिकल फिट, देन योर माइंड विल आल्सो बी फिट मैम। सो आई रियली गो फॉर अ रन फॉर अबाउट 1 to 1.5 किलोमीटर्स डेली। यस मैम। ओके, तो लाइक आपने पहले से ही माइंड में आपके, जैसे आपने बताया कि आपके पापा आर्मी में हैं, आर्मी एज अ सिपाही, ही इज अ सोल्जर। ओके, और कोई आपकी फैमिली में से हो? नो मैम, माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ सिपाही इन इंडियन आर्मी एंड इन माय फैमिली माय अंकल माय ग्रैंडफादर्स ब्रदर्स सन इज इन इंडियन एयरफोर्स। आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे लाइक डेली के लिए? Well, for me it's a place where one can complete his dreams. Okay, fine. Again congratulations. Thank you, ma'am. Okay.